अस्सलाम वालेकुम, हाय गाइस, वेलकम बैक, दिस इज अहमद सुन कोहनी रतन परफ्यूम। होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। सो आज हम और एक नेक्स्ट Q&A सेशन के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। सो इफ यू न्यू टू दिस चैनल गाइस, अगर आप चैनल पर न्यू है सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। ये चैनल इज ऑल अबाउट अतर परफ्यूम और इनके रिगार्डिंग टेक्निकल चीजें और साइंस फैक्ट और सारे यहाँ पे डिस्कशन होता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट गाइस, और स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो ही प्लीज एक्सेप्ट माई सिंसियर अपोलॉजी अगर इनकेस अगर किसी का क्वेश्चन अगर मिस हो जाता है। गाइस आई एम एक्सट्रीम सॉरी, क्योंकि मैं रैंडमली जो है वो कुछ गिने चुने क्वेश्चन पिक करूंगा और उसके बेसिस पे मैं जो उसके आंसर देने की कोशिश करूंगा। इनकेस अगर कोई मिस हो जाता है प्लीज गाइस मुझे जो है वो एक रिमाइंडर दे दीजिए, या तो कमेंट के अंदर या तो कहीं भी, फॉर श्योर मैं आपको इसका रिप्लाई जो है इमीडिएटली फॉरवर्ड कर दूंगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला कमेंट जो है, सॉरी पहला रिक्वेस्ट क्वेश्चन जो है, इट वॉज रेज फ्रॉम मिस्टर चित्रेश पुजारी। इनका क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ नॉर्मल एंड एंटीपर्सपिरेंट डीओ। एक नॉर्मल डीओ में एंटीपर्सपिरेंट डीओ में फर्क क्या होता है। देखिए आई गेस अगर आप लोगों ने देखा होगा जो मेरा हाउ टू अप्लाई परफ्यूम, वापस में बता रहा हूँ, हाउ टू अप्लाई परफ्यूम का पार्ट वन आई गेस, उसके अंदर जो है मैंने एक डीओ बताया था निविया का विच वॉज एन एंटीपर्सपिरेंट। नॉर्मल डीओ में एंटीपर्सपिरेंट बेसिक डिफरेंस क्या हो जाता है, नॉर्मल डीओ जो है वो आपको स्टिंग जो है वो रोकता है, ये सारी चीजें करता है। एंटीपर्सपिरेंट जिसके अंदर ऐड आ जाता है, अगर आप देखोगे नीचे वो एंटीपर्सपिरेंट लिख करके दिखा रहा है, तो वो पसीना रोकने का काम करता है। नो डाउट, बिल्कुल नहीं कि ऐसा कि आपका स्वेट ड्राई कर देगा बिल्कुल, लेकिन हाँ काफी हद तक वो कारगर रहता है, काफी हद तक आपको जो है वो स्वेट आने से उसमें स्वेट कंट्रोल का काम करता है, विच इज एंटीपर्सपिरेंट। तो जब कभी नेक्स्ट टाइम अगर आप डीओ परचेज कर रहे हैं कोई भी ब्रांड का हो, तो अगर आप उसके नीचे एंटीपर्सपिरेंट, अगर किसी को ज्यादा स्वेटिंग का इश्यू होता है तो अगर नीचे कभी भी आप चेक लीजिए इट इज एन एंटीपर्सपिरेंट। तो अगर एंटीपर्सपिरेंट है तो अगर आप स्वेटी मतलब ज्यादा स्वेट होता है तो वो चीज आपको काफी ज्यादा कारगर देगी और वो काफी ज्यादा हेल्प करेगी एज कम्पेयर टू नॉर्मल डीओ। ओके, होप आई आंसर द क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कहाँ गए, विच वॉज फ्रॉम मिस आयुषी रावत। इनका क्वेश्चन क्या है, आप कौन सा परफ्यूम यूज करते हो। हाँ, मतलब एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है और फैक्ट बताओ सच झूठ नहीं हो रहा है क्या, झूठ बताने वाली बात भी कोई नहीं है। मेरा ऐसा कोई फिक्स परफ्यूम नहीं है, जो हाथ में लग गया आज वही लग गया, बस ऐसी चीजें। तो कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि मतलब ये फैक्ट एक्चुअली क्या बोला जाए कि कभी कभार मैं खुद ऐसे बिना परफ्यूम में अतर लगे निकल जाता हूँ, बस नहीं आता था यार जेब में मेरे खुद के परफ्यूम की बॉटल नहीं, अतर की बॉटल नहीं, हो जाता है कभी कभार। और ऐसा कुछ नहीं कि कोई स्पेसिफिक परफ्यूम यूज करता, हाँ अगर पसंद है तो ऐसे तो काफी परफ्यूम है जिनके मतलब मैं नाम गिनाना शुरू करता है ऐसी वीडियो करीब एक घंटा हो जाए। आई लिटरली लव अतर एंड परफ्यूम, मेरे लिए बहुत ही कीमती चीज है अतर परफ्यूम। स्पेसिफिकली ऐसा कोई अतर या परफ्यूम अगर मैं कहूँ मैं लगाता हूँ तो विच इज अगर इनडायरेक्टली अगर मैं रैंडम नेम्स अगर बता दूं थोड़े बहुत जो मुझे प्रेफरेबल या तो मैं यूज करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है विच इज बॉम्बे, एक हो गया मुश्क रिजाली, आई लव मुश्क रिजाली, मुझे बहुत अच्छा लगता है मुश्क रिजाली लगाना। उसके अलावा और कौन से है, डीप रेड मुझे बहुत अच्छा लगता है, इनविक्टस, एक्वाडीजियो, काफी ऐसे काफी और अलग अलग ब्रांड्स है, मैं काफी नाम जो है मेरे ध्यान में नहीं आ रहे, लॉर्ड्स अल रिहाब का क्राउन परफ्यूम का मुझे सीरियसली बहुत पसंद है अल रिहाब का लॉर्ड्स, सिल्वर सेंट, ये सारी चीजें जो मैं काफी जो है वो फ्रीक्वेंटली यूज करता था, ये हो गए। और वुडी मैंने काफी टाइम तक बहुत यूज किया, वुडी मुझे बहुत पसंद है। उसके अलावा रॉयल ब्लैक, ये मतलब ये सारी ऐसी चीजें जो मैंने काफी टाइम तक काफी मुद्दत तक जो है वो यूज किया हुआ है। सो होप आई आंसर द क्वेश्चन। और नेक्स्ट इज फ्रॉम मिस्टर जैद अंसारी, व्हाई मेंस ऑर्डर इज इम्पोर्टेंट। हाँ, बहुत ही कीमती सवाल है। और गाइस मैंने एक काफी क्लिक बिट जैसे दिया था गाइस लास्ट तीन चार वीडियो पहले, विच वॉज एक मेरा बहुत ही हट करके एक यूनिक टॉपिक मैं जो है वर्क कर रहा हूँ जिसके ऊपर, उसका नाम तो नहीं बताऊंगा ना तो फिर ये सारा बोले ना एक सीक्रेट खुल जाएगा। तो उसके अंदर ये पार्ट जरूर मैं ऐड करूंगा विच इज व्हाई मेंस ऑर्डर आर सो इम्पोर्टेंट। यस, जैसे एक छोटा सी मैं डिस्क्रिप्शन इसमें बता देता हूँ, नो डाउट जब मैं वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह तो उसके मैं ज्यादा प्रिसाइज और डिटेल बनाने की कोशिश करूंगा। ये एक डिस्प्यूट है इन साइंस में, नो डाउट हर जगह एक डिस्प्यूट है काफी साइंटिस्ट के बीच में भी कि डू ह्यूमंस रिलीज फेरोमोन्स। जैसे हर कोई कैट जानवर होता है, बिल्ली कुत्ता शेर कोई भी हो, हर कोई जैसे ह्यूमन एक दूसरे को अट्रैक्ट होते हैं बाय लुकिंग एट देयर लुक्स,
लुक्स, पर्सनैलिटी और ये सारी चीजें जो होती है उसकी बेसिस पे अट्रैक्ट होते हैं, फेस सिमेट्री, काफी चीजें होती है जैसे ह्यूमन एक दूसरे को अट्रैक्ट होते हैं। पर एनिमल्स के लिए जो होता है वो उनकी एक बॉडी से ऑर्डर निकलती है, एक खुशबू जिसको आप कह सकते हैं उनकी बॉडी से होती जो उनकी अपोजिट जेंडर को अट्रैक्ट करती है। तो इसके लिए काफी जो है वो साइंस रिसर्च और काफी सैम्पलिंग, जब इंशाल्लाह मैं उसका वीडियो बनाऊंगा तब वो उसको मैं डिटेल में आपके सामने जो है वो जाहिर करने की कोशिश करूंगा कि ये फेरोमोन्स क्या फैक्टर है और किस हद तक, और काफी ऐसी परफ्यूम ब्रांड्स भी है जिन्होंने उसको पेटेंट किया हुआ है कि जो वो साइंटिफिकली जब एक रिसर्च के बाद जब वो चीज निकल के आई तो एक पर्टिकुलर ब्रांड है जिसने उसको पेटेंट भी किया हुआ है कि वो पर्टिकुलर जो है वो केमिकल वो खुद यूज करेगा। तो जब मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा तो वो चीज सारी उसमें जो है वो डिटेल देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच मिस्टर ज़ैद अंसारी फॉर गिविंग दिस क्वेश्चन। और नेक्स्ट इज फ्रॉम मिस्टर सलमान सिद्दीकी, इन्होंने क्या पूछा है, हाउ टू स्टार्ट अ प्रॉफिटेबल बिजनेस ऑफ परफ्यूम एंड अतर। नो डाउट, बहुत ही कीमती क्वेश्चन है। इसके लिए एक मतलब आई गेस मुझे अभी 10 साल हो चुके परफ्यूम इंडस्ट्री में, आई बीन फ्रॉम 10 इयर्स, बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है। लेकिन एक चीज और एक मिसाल जरूर देना चाहूंगा विच इज वेरी यूजफुल हर फील्ड के लिए, हर किसी के लिए, कि जिंदगी में आपको जितना बादाम खा के अकल नहीं मिलेगी ना उतना धोखा खा के मिलेगी। सो विच इज वेरी मच ट्रू, हर फील्ड में जब आप जाओगे, हर लाइन में जब आप एंटर करने की कोशिश करोगे तो नो डाउट काफी लोग होते हैं जो आपको चीट करते हैं, काफी लोग आपको जो है वो कोई भी मतलब न्यू है बंदा उसको नॉलेज नहीं है तो कोई भी चीज उसको जो है वो हाथ में दे देंगे, लो भाई आप ये ले जाओ वो ले जाओ। सबसे बेस्ट चीज है, थोड़ा सी एक लेंदी आप उसको प्रोसीजर बोल सकते हो बट हाँ कारगर है जरूर मैं कहूंगा। कभी भी जब आप कोई परफ्यूम या अतर जब आप सेल करने के लिए यूज करो, कभी भी आप बेचने के लिए यूज करो तो सबसे पहले उसको अपने आप यूज करो, दिस इज अ फैक्ट। कभी भी आप एज एन कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे ना तो आप एक बेहतर सेलर बन पाओगे और एक बेहतर बिजनेसमैन बन पाओगे, क्योंकि आप जब तक आप अपने आप को कस्टमर की जगह पर रख करके नहीं सोचोगे ना तब तक आपको चीजों को वो नजर दिखने नहीं मिलेगा, आपको लगेगा मेरा प्रोडक्ट अच्छा ही है, जैसे मेरा वीडियो मेरे लिए अच्छा ही है, मुझे मेरा वीडियो क्यों नहीं अच्छा लगेगा, लेकिन हाँ मेरे व्यूअर को अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तो अगर मैं अपना वीडियो देखो तो एज एन व्यूअर देखो तो मुझे बना पाऊंगा, सेम गोस फॉर बिजनेस एज वेल। अगर मैं कोई चीज बना रहा हूँ, कोई डिश बना करके मैं सेल कर रहा हूँ, कोई अतर बेच रहा हूँ, परफ्यूम बना रहा हूँ, मुझे तो जाहिर सी बात है मेरा क्रिएशन है, मैंने क्रिएट किया, मेरे लिए बहुत अच्छी चीज है, मेरा शॉप है, मेरा सामान है, मेरे लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। लेकिन एज एन कस्टमर पर्सपेक्टिव क्या वो चीज उस तरीके से सोच पा रहा है, क्या उस तरीके से उसको अच्छा लग रहा है? तो कभी भी आप एक परफ्यूम को या कोई भी अतर अगर आप सेल करने के लिए अगर आप ले रहे हो कहीं से आप, क्योंकि एक पूरा कलेक्शन रेडी करना होता है परफ्यूम का और अतर का, जब आप कोई दुकान खोलते हो एक रेंज होता है विच इज एन ऊद के, कुछ फ्रूटी फ्रेग्रेंस के होते हैं, कुछ परफ्यूम क्लोन्स के होते हैं और कुछ नॉन ब्रांड होते हैं जिनके अतर होते हैं, ऐसे परफ्यूम के लिए भी लागू होता है विच इज ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग। कभी आप इंशाल्लाह मुझसे मुलाकात करना है, कभी आप मुझे मेल कर देना, मेरा मेल आईडी यहाँ पर जो है वो डिस्क्रिप्शन में एडेड है, मैं वहां पर आपको डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा। तो वो चीज कभी भी आप लो तो उसको आप इस्तेमाल करिए, जैसे मैं और मेरे डैडी नॉर्मली जो है वो परफ्यूम वगैरह की जब हम अतर वगैरह लेते हैं, मैं और मेरे डैडी जो है वो डील करते हैं उसमें, तो जब कभी कोई नया परफ्यूम अगर होता है तो प्रेफरेबल क्या करते हैं उसको लगा लेते हैं, लगाने के बाद कम से कम उसका टॉप नोट जो होता है कभी भी उड़ने के बाद, एक घंटे बाद, दो घंटे बाद, चार घंटे बाद, किस तरीके से बॉडी पे वो रहता है। जैसे अगर कोई परफ्यूम मेरे पास 12 घंटा टिक रहा है, क्योंकि मेरे को बॉडी पे स्वेट ज्यादा आता है, डैडी को स्वेट नहीं आता, तो मैं ज्यादा अपनी बॉडी प्रेफरेबल करता कि भाई मेरे अगर बॉडी पे अगर 8 घंटा टिक रहा है तो ऑन एन एवरेज किसी और जो नॉर्मल जिसको उतना बॉडी स्वेट नहीं करता है उसके बॉडी पे वो इजिली 12 घंटा तक टिक जाएगा, फिर भी हम उसको कम बता करके देते हैं विच इज, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आप किसी को ज्यादा दो कम बोल करके तो विच इज वेरी गुड। ओके होप मैं थोड़ा ज्यादा ज्ञानी नहीं बन गया हूँ। सो ये बेसिक चीज थी अतर परफ्यूम के बारे में। कभी भी आप अगर परफ्यूम का बिजनेस ऑन कर रहे हो, प्रॉफिटेबल अगर आपको रखना है तो प्लीज अपना पर्सपेक्टिव एक कस्टमर की तरह रखिए कि मुझे जो है वो एक एज एन कंज्यूमर तौर पर अगर वो चीज मुझे पसंद आएगी तो जाहिर सी बात है मेरा कस्टमर उस चीज को जरूर लेगा। और लास्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम मिस्टर अंकित काले, मेरे बहुत अच्छे करीबी दोस्त हैं, चित्रेश, सारे लोग मेरे ऊपर के सारे करीबी दोस्त हैं, मिस्टर चित्रेश पुजारी हो या आयुषी रावत, ज़ैद अंसारी, सलमा सिद्दीकी, अंकित काले, नो डाउट एवरीवन गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल फीडबैक एंड योर आपके इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चन के लिए। इनका क्वेश्चन मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। अंकित काले जी ने क्या पूछा है, विच इज द ओरिजिन कंट्री ऑफ अतर एंड व्हेन इट वाज एस्टैब्लिश्ड और बाय शॉप ओपन कब की। हाँ नो डाउट, मतलब आप शॉप ओपन कब करेंगे, उन्होंने मुझे सवाल पूछा हुआ। सो पहला क्वेश्चन मैं उसका आंसर देता हूँ, विच इज द ओरिजिन कंट्री ऑफ अतर। अगर आप अतर की हिस्ट्री में जाओ परफ्यूम का तो बिल्कुल इजीली मिल जाता है कि हंगेरियन प्रिंसेस ने किया था, ईयर 1370 में हुआ था विच इज वेरी मच क्वाइट क्लियर। लेकिन अतर के लिए
अगर और ये बहुत एक हमारे जो है वो फक्र की बात है और बहुत ही खुशी थी बोलते हुए कि अतर एक्चुअली इतर वर्ड जो है वो होता है पर्शियन वर्ड और इतर से अतर आया है इंडियन अतर वर्ड एक्चुअली इंडियन वर्ड होता है ATTER जो हम अतर बोलते हैं विच इज एन इंडियन वर्ड और अतर का अगर आप हिस्ट्री देखो तो बता देता हूँ आई गेस काफी ज्यादा पुरानी हिस्ट्री है इसकी काफी जो है वो अग्नि पुराना जो है उसमें भी इसके डिस्कशन किए हुए हैं पुरानी इंडियन किंग्स आई गेस एट ए टाइम बात करते टाइम 150 अलग अलग वेरिएंट्स ऑफ परफ्यूम अपने बात में नहाते टाइम यूज करते थे अगर आप मेरा वीडियो देखो EDT उसके अंदर मैंने एक कलॉन्ज का इनिशियल फेज बताया हुआ जैसे वो नहाते वक्त जो है वो परफ्यूम को यूज करते हुए जिसको ERG टॉयलेट ओडा टॉयलेट जिसको हम बोलते हैं जहां से ईजाद होकर क्या है कॉलॉन्ज का वो वहीं से है ओडा टॉयलेट मतलब नहाते वक्त पानी में जो है वो परफ्यूम ऑयल यूज करके उसके बाद नहाते थे तो ये वही चीज वहां से जो है वो लिंक्ड होकर के आती है तो वो नहाते समय जो राजा होते महाराजा होते थे वो नहाते समय एक साथ 150 किस्म के परफ्यूम तक जो है वो उनके पानी में यूज करते थे अपने बॉडी पर खुशी पाने के लिए राजा है भाई दे कैन डू एनीथिंग सो ये सारी चीजें हैं और इसमें बताया जाता है कि 1100 सेंचुरीज में तभी लेकिन आई गेस ये तो काफी पुरानी चीज है क्योंकि आई गेस प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना आई गेस सबसे 1400-1450 साल पुराना है उनके टाइम भी इतना था तो काफी डिस्प्यूट्स भी है इसके अंदर और काफी पुराने कैसा ही परफ्यूम तो बना था आई गेस अब थोड़ा मॉडर्न रहा था अतर और ऐसी ही अतर या परफ्यूम परफ्यूम अगर मैं कहूँ तो फ्रेंच वर्ड है विच इज डिराइव फ्रॉम धुएं वाली खुशबू स्मेल कमिंग आउट फ्रॉम स्मोक जो खुशबू जब हम जलाते हैं और ये तो हमारे इंडियन कल्चर में आई गेस इंडियन इज वेरी मच रिच इन कल्चर और काफी पुराना कल्चर इंडियन कल्चर एज कम्पेयर टू अदर कल्चर तो जो धुनी का और जो अगरबत्ती का जो खुशबू निकालने का लकड़ी जलाने में जो खुशबू संदल की लकड़ी वगैरह ये काफी ज्यादा पुराना इंडियन कल्चर है तो काफी हिस्ट्री अगर आप पीछे जाओगे तो उन मोरलेस ये आप इसको रिलेट करोगे कि इसका जो ओरिजिन स्टार्ट हुआ वो इंडिया से होकर के जा रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली जहां तक मेरा जनरल आई माइट बी रॉन्ग जहां तक मैंने स्टडी किया है मेरे हिसाब से जो ओरिजिन कंट्री ऑफ अतर इज इंडिया इंडिया ही एक ऐसी कंट्री जहां से अतर का जो है वो ईजाद हुआ है या यहां से ये चीज फॉर्म में आई है जो हमारे बहुत बड़े फख्र की बात है और नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ हाँ इन्हीं का नेक्स्ट क्वेश्चन था क्या था वो कि भाई दुकान खुली है ये शॉप ओपन है गाइस तो ब्रदर शॉप ओपन है आप सभी के लिए बताना चाहूंगा आई गेस वो ओपन द शॉप कभी भी जब आप चाहे आप आ सकते हो मुझे मिल सकते हो मोस्ट प्रोबेबली मैं इवनिंग के टाइम अवेलेबल रहता हूँ शॉप पर तो शॉप इज ओपन नो डाउट थोड़ा रिस्ट्रिक्शन है लॉकडाउन की वजह से लेकिन यस हाँ बिल्कुल पहले कम्प्लीटली बंद ही थी लेकिन अभी शॉप ओपन है तो कभी भी आप आकर के मिल सकते हो सो होप गाइस आई सेटिस्फैक्टरली आंसर सभी क्वेश्चन का आ गया और थैंक यू वेरी वेरी मच गाइस फॉर शेयरिंग दिस क्वेश्चन और बाकी काफी लोग अगर किसी से मैं माफी चाहता हूँ अगर मेरे से किसी के क्वेश्चन अगर मिस हो गए तो रियली एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट बट यस अगर मैं किसी का क्वेश्चन मिस कर जाता हूँ मुझे प्लीज रिप्लाई बैक करिएगा मैं आपको दोबारा उसका आंसर दे दूंगा और थैंक यू वेरी मच गाइस जिन जिनके मुझे फीडबैक फॉर्म मैं बता देता हूँ फीडबैक फॉर्म में रिसेंटली रिप्लाई आया था इनका जस्ट अ सेकेंड सॉरी नेक्स्ट टाइम थैंक यू वेरी मच गाइस जिनका मुझे फीडबैक आता है यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब बेस्ट वर्क थैंक यू वेरी मच मिस्टर हर्ष गच भाई एक का नाम था और दूसरे कोई और व्यक्ति थे थैंक यू फ्रॉम पनवेल आई गेस थैंक यू वेरी मच ब्रदर आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपने अप्रिशिएट किया मेरे काम को आई एम रियली ग्लैड और मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले वक्त में और ऐसे और इससे बेहतर वीडियो बनाने की कोशिश करूं प्लीज कीप सपोर्टिंग कीप लाइकिंग कीप शेयरिंग और प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ओके गाइस सो वी आर वाइंडिंग अप दिस वीडियो So please take care, stay safe. Love you.